गुड मॉर्निंग क्लास। बीमारी पढ़ा रहे थे ना आपको, बोले थे कुछ बीजाणु वाले रोग याद करने के लिए। जीवाणु वाले रोग में हम याद करने के लिए बोले थे। हाँ बता दो, बंद कर दीजिए उसको। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया की वजह से? पोलियो? पोलियो नहीं, प्लेग। हाँ प्लेग, प्लेग। इधर निकले, हाथ निकले, ऊपर करिए हाथ, बढ़िया से ऊपर, नहीं तो हम उतरेंगे तो फिर ज्यादा पीट देंगे ना। चूहा से फैलता है प्लेग यहाँ पे, चूहा तो वाहक है, हम बैक्टीरिया का नाम पूछ रहे हैं। तुम बताओ बकलिया, निकाला हाथ निकल। कब इंटर मैट्रिक कब की थी? नाइन्थ में है। चल तुमको छोड़ देते हैं, मुझे नाइन्थ में है यहाँ पे। अच्छा वही बताइए इसको कि बोल दीजिए दीदी, बोलिए चूहा से फैलता है। दीदी पिटा गई अपने एकदम चूहा बना बैठती थी। कोई बात नहीं, मन से पढ़ाई करो। नाइन्थ में भी इतना पहले एडमिशन का ले लिया हमें। तुम बताओ हाँ लिया, इधर ले आया और ऊपर बढ़िया से और छूट गया है। आप बताओ, हमने मिस हो गया था तो इसलिए डेढ़ को पीट दिया। काली लोगों आना रहेगा बैठने के लिए, अगवा इतना तेज दौड़ती है सब ना, याद दिलाना ना गिन के ना इधर से। हाँ कोई बात नहीं, हाँ आप लास्ट में आई थी या पहले आई थी इस वजह से थोड़े पीटे हैं आपको। पीटे किस लिए हैं? नहीं आता इसलिए, इधर बता लो बाबू। तुम बताओ बाबू, कुष्ठ रोग के लिए कौन सी दवा दी जाती है? जीवाणु वाली दवा, कुष्ठ रोग की दवा का काम नाम है लिप्रोसी की दवा का नाम। लिप्रोसी में तो बीमारी में नाम लगा, माइकोबैक्टीरियम लिप्रोसी। तू थोड़ी पूछेंगे आपसे, लाओ हाथ निकलो। हाँ याद है, फिर सुना तुम तो। अच्छा दोबारा पूछते हैं, माइक उतार के पूछे, बताओ कोड़ में कौन सी दवा दी जाती है? अब तुम फिर पिटाएगा। अब समझ में आया? ला 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 ला, तू तो पक्का पिटाएगा। और ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ चिंग चेंग बताओ, कोड़ में कौन सी दवा? कोड़ फूटता है ना, कोड़। हाँ ठीक है, MDT। ये दो बार पिटा गया बेचारा, दिमाग लगा रहा था। जल्लाद है, MDT की दवा दी जाती है यहाँ पर। जल्लाद देखिए, डिप्थीरिया में तो डिप्थीरिया लगा ही रहता है। जल्लाद बताओ, इधर रुको, जल्लाद को बढ़िया से पूछेंगे। तुम बताओ प्लेग किस बीमारी, प्लेग के बैक्टीरिया का नाम बताओ। हाँ निकाल इधर, निकाल ले। तो पहले हम तुमको मार देते, तुम ऑप्शन मारना, लो इधर। हाँ ठीक है, यार सुना दिया ये गधा। टाइफाइड वाले में भी टाइफी लगा हुआ है, बनाई देंगे आप लोगों वहां पे। कुष्ठ रोग वाले माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी लगाई भी सुना देंगे। टिटनेस वाले में भी क्लोरोजिम टिटने लगाए बनाई देंगे आप लोगों। सिफिलिस वाला में भी बताई देंगे, टीवी वाला भी बता देंगे लोग। हाँ इधर हैजा वाला, बैठे बैठे पीटने के लिए हम पीट देंगे। हाँ बिब्रियो गलत लिख दिया क्या इसमें? बिब्रियो कोलरा होता है, तो कौन सी बोल रही है? बिब्रियो ज्वालामुखी।
ये कुछ और बोल रही है यहाँ पे। अरे अभी पहले वायरस पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे बढ़िया से। बॉटनी में अभी जूलॉजी खत्म हो जाता है ना, तो इसका बढ़िया से टेस्ट लेके और उसके बाद से ना। क्या जी कैंसिल करेगा सचिवालय? एग्जाम कैंसिल करना होगा उनको। हाँ एग्जाम नहीं ले पाते बिहार के लोग, तब क्या करेंगे लोग वहां पे। और ना ये जो हर बोर्ड के लिए जो सचिव बन के बैठे हैं लोग, कोनो काम का नहीं है सर यहाँ पर। यहाँ पे आप बताओ ना, बीपीएससी अभी फॉर्म भरा रहा कर फरवरी में एग्जाम लेंगे। अच्छा 2 फरवरी को एग्जाम लेंगे, कैसे? सुनिए ध्यान से। आपको बात एग्जाम ये लोग ना जमीन पे उतर लें, दिमाग से पैदल हो गया है सर। देखिए बताए अभी तक एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, डेट बढ़ा दिया बीपीएससी का, बिहार स्टेट पीसीएस का अभी फॉर्म भराया जा रहा है, और इन्होंने कहा कि अगले 25 दिन में हम एग्जाम ले लेंगे फरवरी में। सोचिए उस समय मैट्रिक इंटर का एग्जाम के लिए सेंटर वाले अपना सेंटर नहीं देंगे, आधा सेंटर गड़बड़ रहेगा, तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, आनंद फानन में जौन चीज मिलेगा दे दो, उसके बाद पर्चा लीक हो गया, लड़का लाठी पिटा है, फिर टीचर के पास जाओ, फिर दबाव बनाओ तो फलाना जगह जाओ, मंत्री साहब को बोलो, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, सचिव के पास जाएगा, अखबार में आएगा, फिर पता चलेगा एग्जाम कैंसिल। अरे यार गधो लोग, मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है फरवरी में, इस समय पूरी कोचिंग पूरी स्कूल गवर्नमेंट होती है, जिस पर गवर्नमेंट का सीधा पकड़ होता है, जिस पर कंट्रोल ईजी होता है, जिसका कैंपस बड़ा होता है, वो बीजी है, तो करेंगे? मेरा तो एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, 10 मिनट का काम है लीक होना, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। अच्छा आनंद फानन में लेंगे ना, लड़के को प्रॉपर तैयारी करने को मिलेगा ना कुछ, अकलेल बकलेल लड़का पहुंचेगा, फिर कहेंगे बिहार पीछे है, पीछे किया जा रहा है। सब होता है यहाँ पे, इस सब जगह पे। आप तो आप बताइए बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्था में, अच्छा ये अपने आप को ना, समस्या ये नहीं है ना, बीपीएससी वाले अपने आप को यूपीएससी से भी ऊपर समझते हैं। दिमाग एक तो स्टेट बीपीएससी के सिलेबस में है कौन चीज, यहाँ पे एकदम खड़े खड़े आ जाता है यहाँ पे। अब तो थोड़ी होश में आया है तो निबंध वगैरह जोड़ा है, अब होश में आया है तो क्या जोड़ा है, निबंध वगैरह जोड़ा, नहीं तो इन लोग को ऐसा लगता है ना कि ये यूपीएससी से भी क्या है, ऊपर है। सोचिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है, करा 25 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे, मतलब तुम चोट्टा कहीं का कब फॉर्म निकालेगा पता नहीं है, निकालते कहेगा 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे, ऐसे लोगों को ना मतलब क्या ही बोला जाए, यहाँ पे कलंक है सभी सब कलंक। अगर अगर ये बता देता कि हम जनवरी दिसंबर में फॉर्म निकालने वाले हैं, पहले से 6 महीना पहले बता देता, तो इनको इससे मतलब नहीं है। देखिए मेंटेलिटी समझिए, उनको मतलब है कि मेरी जितनी सीट है बीपीएससी में वो भर जाएगा, लड़का कैसा आएगा कैसा अधिकारी बनेगा इन घोंचुओं को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना। उन लोगों से जब हम बात किए तो कहे खान साहब हमको टेंशन नहीं है, मेरा तो सीट भर ही जाएगा, जितनी सीट है मेरा भर जाएगा, उसको सीट भरने से मतलब है। अब कितना बोला जाएगा ये सब चीजों में, अरे नेता को क्या बोलोगे, यहां अधिकारी भी यूपीएससी में जो एकदम छाटल आ जाता है ना, जिसका कोई काम धाम नहीं, तो हमको लगता है कि इधर भेज देता है। अब आप बताओ उस सचिव को इस बात की चिंता नहीं है कि एक अच्छी क्वालिटी के लोग आए जिन्हें प्रॉपर मौका दीजिए तैयार करके आए, नहीं उसको, उनके ऊपर मेन है कि उनको इस 3 साल मतलब 2.5 साल के अंदर उनको 3 बीपीएससी कंडक्ट करा देना, समझाए, चाहे कैसा भी लोग आए कैसा भी जाए कोई बहस नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये लोग को बात जाके देखिएगा ना, इतने अहंकार से भर गए रहते हैं लोग, ये लोग समझते नहीं है, इनको लगता है कि यही दिमाग, इन्हीं के पास खाली दिमाग है, ये कॉलेज स्कूल और शिक्षा ग्रहण का काम 20 साल पहले छोड़ चुके हैं, और अपने आप को अभी भी तेज समझते हैं। हर नेक्स्ट जनरेशन अपडेटेड रहती है, कोई एक बार विचार विमर्श नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो बिहार की स्थिति बहुत उटपटांग हो चुकी है। एक ही इंसान है जो बदल सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं, ठीक है, बाकी इनके बस की बात नहीं है। आप लोग कहिया चलिए अब हम लोग देखते हैं। वायरस द्वारा होने वाला रोग प्लेग व्लेग उसे को नहीं होता है,
ये स्थिति कमोबेश हर जगह की है। अच्छा, जो बड़का बड़का बन गया सर, उनसे से कुछ सवाल पूछिएगा ना सर, थोड़ा सा ये वाला बता दीजिए, कतरा के भाग जाएगा सर, भाग जाता है सर। अच्छा, घमंड बहुत ज्यादा होता है इन सब में, ये बहुत। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये जितने सेक्रेटरी लेवल के हैं सब, इन लोग की एक टेंडेंसी चल रही है, आपको कैसे छांटा जाए और पैसा लेके भरा जाए। आपको नोटिफिकेशन या वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर पे कॉल करना चाहिए या मैसेज करना चाहिए, लेकिन उनको पता है कि लड़का मोबाइल और मैसेज को ध्यान से देखता है लेकिन मेल चेक नहीं करता है। आम आदमी मेल कभी कभी चेक करता है 6 महीना साल पे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा ना, तो उस दिन वह मेल कर देगा एक हफ्ता पहले, उसको पता है कि लड़का मेल नहीं देखने वाला है। और जैसे मेल छूटेगा ना, आप आइएगा तो कहेगा हमें क्या चलते है? नहीं, हम नहीं चेक करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे। मतलब एक लड़का अपना तैयारी किया 2 साल, पीटी दिया, मेंस दिया, मेरिट लिस्ट बनाया, डॉक्यूमेंट, अब वेरिफिकेशन के दिन उसको जानबूझ के ये क्या करेंगे, मेल। अच्छा, हाई कोर्ट में ये फंस ना सके इसलिए आधा को करेंगे फोन, आधा को मैसेज, और मेल दोनों करेंगे, और आधा को केवल क्या कर देंगे, मेल। हाई कोर्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल, देखिए इतने लोगों को तो मैसेज गया ही था, इतने को नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। और ऐसे हजारों लड़कों को वो लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिए, किसी का आखिरी स्टेप था, पूरा फाइनल करके बेचारा, उसको लगा था वेरिफिकेशन होगा, लेकिन ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाल सकते हैं कि कब तक हम वेरिफिकेशन करा लेंगे। और ये इतना खतरनाक हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लड़कों के साथ ऐसा हुआ है, और हमने उसको कई बार हमने बोला भी, तो कहा हमारा तो सीट जितना है उतना भर गया। हम कहे मतलब वो 2 साल से तैयारी किया, आपका पीटी, मेंस, इंटरव्यू, मेरिट सब निकाल दिया, वेरिफिकेशन आपने उसको मैसेज नहीं किया, मेल करके भेज दिए यहाँ पर। ये सारी चीजें स्ट्रेटजिकली तौर पर हो रही है, और जब वो खाली हो जाएगा ना, ला 20 लाख रुपया चल जाओ। ये है हमारा बिहार, अब बोलो हम बिहारी हैं, बहुत खराब करता है ये लोग, बहुत खराब। सोचिए, अच्छा कोई फेल हो गया उसको उतना दुख नहीं होता है, सोचिए जो वहां जाके होता है उसको कितना दुख होता है। खुल के कहता जाइए हाईकोर्ट, जाइए हाईकोर्ट, खुल के कहेगा आप ही से। हाँ, ये सब भी, अरे वो लड़का फॉर्म भरा था मेल, और उसका हो गया था फीमेल, और चेंजे नहीं कर रहा था। हम कह, अरे चोटा का दिख रहा है ना तुमको, मेल के जगह फीमेल हो गया, तो गलती कहीं से भी हो सकती, तुमको दिख रहा है ना। अच्छा, ये सब एक बार 1857 खोज रहा है सब, बहुत जल्दी यहाँ पर, इन लोग को ना समझ में आ रहा अभी। चलिए आगे समझते हम लोग। वायरस द्वारा होने वाला रोग, किसके द्वारा? वायरस, विषाणु। लड़की कंफ्यूजन में है सब, की अभी जो हम बताए वो बायोलॉजी में है कि कहीं इसमें, ये कंफ्यूजन में है सब, मटेरियल में तो लिखा ही नहीं, अभी जो हम बताए वो बायोलॉजी का हिस्सा नहीं था, बिहार स्पेशल था, बिहार स्पेशल। उसका पीडीएफ भी दे दे। नहीं नहीं, अब वो सब भी धीरे धीरे समझने लगी, ऐसा बात नहीं, आधा को तो समझ में आया ही होगा कम से कम, अभी जो बताया वो बॉटनी में था कि जूलॉजी में, बताओ जूलॉजी विषाणु में था। चलिए आगे देखते हम लोग, वायरस यानी विषाणु के बारे में अब आगे समझते हैं हम लोग। विषाणु ससुरा जिंदा भी है, मरा भी है, ये जब तक शरीर के बाहर रहता है मरल रहता है यहाँ पे, और जैसे शरीर में आता है जिंदा हो जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस। इस ससुरा का हाथ पैर नहीं होता है, ये एक तरह का केमिकल है जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है आपके जेनेटिक्स को बदलने का, समझ में आ गया? जैसे हमारा डीएनए होता है ना, इसके पास सारा क्या है, इंफॉर्मेशन है कि किस उम्र में दाढ़ी निकलनी चाहिए, किस उम्र में बाल झड़ जाना चाहिए, कब सफेद बाल होना चाहिए, कितनी उम्र में वसा को कम कर देना है ताकि शरीर में झुरिया पड़ जाए, किस उम्र में क्या करना है, सारा इंफॉर्मेशन किस में रहता है, डीएनए। डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है, इंफॉर्मेशन। वायरस जाता है ना, इस ससुरा कुछ कुछ वायरस जो होते हैं ना, इसी का इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है सब, इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो बड़ी खतरनाक होता है सब वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस होता है, कुछ कुछ डीएनए का क्या करेगा, इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा, कुछ कुछ आरएनए का इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है सब, कुछ करेगा तो राइबोसोम का इंफॉर्मेशन चेंज करेगा। जैसे आपको पता है हमारी कोशिका है, इसमें माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाता है,
राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, गॉल्जी बॉडी परिवहन करता है, वैक्यूल जल को रोकता है, लाइसोसोम पचाता है, मार देता है यहाँ पर, और क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के लिए आपका सेंट्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। अब कोरोना आता है, कोरोना भी क्या है, ससुराल को वायरस है, वायरस के पास अपना एक इन्फॉर्मेशन होता है, वायरस के पास क्या होता है इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे शरीर में घुसता है फेफड़ा के रास्ते ब्लड में जाता है, अब ब्लड में जाने के बाद सीधे घुस जाता है किसमें, राइबोसोम के, राइबोसोम क्या बनाता है प्रोटीन, उसको इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है, प्रोटीन बनाने की, वायरस आएगा ना छोटा तो कहेगा तुमको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आज से जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तुम उसका निर्माण करो, आज छोटा दे देता है इन्फॉर्मेशन की कोरोना बनाओ, तो हमारे शरीर में हमारे खुद का राइबोसोम क्या बनाने लगता है, कोरोना बनाने लगता है, इसलिए धड़ाधड़ शरीर में क्या बनने लगता है, कोरोना। सोचिए हमारे ही फोटोकॉपी मशीन से अपना डॉक्यूमेंट चेंज करके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेंज करके दूसरा डाल देता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे आप गए फोटोकॉपी कराने के लिए, आप दिए उसको कि इसका फोटोकॉपी कर दीजिए, अब गलती से दूसरा मशीन में डाल दिया, तो मशीन को क्या पता कि कौन सी फोटोकॉपी हो रहा है, वही निकल जाएगा, समझ में आ गया नहीं। कोरोना यही करता है, जाता है चुपचाप, हम लोग शरीर का फोटोकॉपी मशीन राइबोसोम, जहाँ क्या छप रहा है प्रोटीन, कहेगा रही गलती छप रहा है, हमको छापो, छपने लगा कौन जी, इसीलिए कोरोना के मरीज को स्टेराइड दिया जाता है, स्टेराइड आपकी शरीर के काम करने की क्षमता घटा, डेक्सामेथासोन, इसीलिए ना ब्लैक फंगस आ गया, आपके शरीर को काम करने से रोका गया, क्योंकि आपका शरीर काम कर रहा था किसके हिसाब से, कोरोना के हिसाब से। तो वायरस बहुत खतरनाक होते हैं सर, थ्री इडियट में उसको अपने उसी को वायरस बोलता है प्रिंसिपल को दीन को क्या बोला वायरस बोलता है, आप समझ में आ गया कि नहीं, आप लोग भी बोलते हैं हमको वायरस, हाँ गदा बाबा बोलता है चुप, चलिए ध्यान से समझते हैं। ऐसे कुछ कुछ टीचर हम लोग के थे, हम लोग एक टीचर को डेंजर मैन बोलते थे, गुस्सेले रहते थे हमेशा, हम तो कभी कभी पीटते हैं, समझ में आया कि नहीं आ गया, हाँ जबरदस्ती पीट देते थे हम लोग को, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी। ये इसका ट्रिक में एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अभी सुधार लेंगे लोग, एक जगह हम पहले ट्रिक लेते हैं, एडे एड्स और डेंगू, एडे ए से एड्स, डे से डेंगू, पोइचे पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक, पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक, एडे पोइचे छोग, छो से छोटी माता, अगा से गलसुहा छोग, ए से एड्स डेंगू पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक छोटी माता गलसुहा, चेचक थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, छोटी माता सरसों के दाना बराबर होता है, छोग खसरा होगा, खटरा लिख दिया, खसरा हिम हरे, वहाँ खटरा हो गया पहले समझ जाइए, इधर देखिए उसके बाद सुधार देंगे, क्योंकि अभी आप लोग सुधार यहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको सुधार देंगे, ठीक है, मटेरियल में थोड़ा सा हम सुधार देंगे, ऑटोमेटिक आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। ये किसी का मटेरियल है क्या, किसका है, अच्छा यहीं पे था, मत सुधारो बाबू तुम लोग और बिगाड़ देता है, मत सुधार, हम सुधरवा देंगे, आप टेंशन मत लो, यहाँ पर सुधारने के लिए कहेंगे ना तो कोई को बॉटनी का मटेरियल खोल लेगा, सब हिस्ट्री में सुधार लेगा, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन लिखा हुआ है एक से एक रहता है ऐसा, हमारे पास जब देश आता है लड़का से तो हम विचित्र होकर कंफ्यूज हो जाते कि बाप रे इतना खतरनाक लेवल का कैसे था हम। चलिए देखिए, ए से होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किस वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जांच कैसे होता है, एंजाइम लिंक इम्यून साल्वेंट एसे, एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यून साल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यून साल्वेंट एसे, याद रहेगा एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रहेगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी का फुल फॉर्म
ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जांच के लिए एलिसा, जांच के लिए एलिसा जांच से ये पता चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? आप बताइए इसमें हमारी WBC की कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? WBC की टी सेल, और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, हम किसी दूसरी बीमारी से नहीं लड़ पाते। एस्टेरॉइड जो दिया जाता है ना हमारे शरीर में, जैसे डेक्सामेथासोन, ये सब चीजें थी, ये हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को कुछ देर के लिए कम कर देती है, क्योंकि कोरोना घुसा है शरीर में। अच्छा, कोरोना के मरीज में एक समस्या ये था कि एस्टेरॉइड हम लोग 7वें या 8वें दिन देते थे, क्योंकि शुरुआत में लड़ने की क्षमता कम कर देंगे तो कोरोना स्टार्टिंग से भारी पड़ जाएगा, तो इन्फ्लामेशन की स्थिति में दिया जाता था। आगे समझेंगे लोग उस सब चीज़ों को। यहाँ पर कोरोना अब तो लोग ध्यान से भी नहीं देखते, कहीं आ गया तो फिर ध्यान से देखने लगेगा क्या है क्या नहीं। तो HIV वायरस के वजह से जो बीमारी होती है उसे एड्स कहते हैं। एड्स की जांच ना होती बल्कि वायरसवा की जांच होती है, किससे? एलिसा जांच। इसमें अगर किसी को HIV हो जाता है तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो मुख्य कोशिका थी टी सेल, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और हमारे पूरे शरीर में लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। HIV का पता 4 साल बाद चलता है, अगर लक्षण के हिसाब से देखेंगे तब। शरीर में कंटिन्यूअस बुखार रहना बहुत, 4 साल लगातार वेट लॉस होना, 60 किलो का था 55 होगा, 52 होगा, 45 होगा, एक कंसिस्टेंसली घटते जाएगा उसका वेट। देखिए, एक होता है वेट घटना तो समझ में आ जाता है, जैसे कोई रोजा रह गया एक महीना रमजान का, वो घट जाएगा उसका 10-15 किलो ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो उसको रीजन समझ में आ रहा है, बीमार पड़ गया उसका वेट घट रहा है, समझ, बिना मतलब वेट घटते जा रहा है, समझ में आ गई? सबसे तेजी से फैलने वाला देश में भारत है, HIV बहुत तेजी से भारत में फैल रहा है, इस चीजों को तेजी से फैलने वाले देशों की लिस्ट में भारत है। HIV वायरस जो होते हैं ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देते हैं, फिर आप बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे, बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। इससे आपको पर्टिकुलर कोई एक बीमारी नहीं होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई। जैसे भारत से आर्मी को खत्म कर दीजिए, हो सकता है पाकिस्तान चढ़ जाए, नेपाल भी चढ़ सकता है, भूटान मन करेगा, श्रीलंका, पता चला यूक्रेन कहेगा हमारा तो देश चला गया, यही चलाते हैं। तो अगर हमारी देश से सेना हटा देंगे तो कौन कब्जा करेगा? कंफर्म नहीं है कि कौन कर लेगा, लेकिन कोई भी कर सकता है। तो WBC खत्म होने के बाद कंफर्म नहीं है कि हमें कौन सी बीमारी होगी, लेकिन हो जाएगा। अब कोई बीमारी होगी तो ठीक ही नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा। इसलिए HIV की मरीज जब मरते हैं तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, बहुत सारे अंग उसके काम करना छोड़ देते हैं। लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, वो ठीक ही नहीं होगा, धीरे 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 लीवर खत्म होना चालू करेगा, किडनी खत्म होना, तो ये 8-10 साल के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं? निपट जाते हैं। 4 साल बाद तो इसका, 3-4 साल बाद तो इसके लक्षण पता होते हैं। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही इसकी वैक्सीन है, ना ही इसकी दवा है। यह वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। यहाँ पर इस वायरस को जिंदा रहने के लिए, हर वायरस को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए? वातावरण चाहिए। जैसे कोरोना पेट में गया तो मर जाएगा, अगर कोरोना पेट में गया ना मर जाएगा, HCL मार के तबाह कर देगा यहाँ पे। तो सबको अलग अलग जगह चाहिए रहने के लिए वातावरण, जैसे मलेरिया वाले को एस्पिलिन चाहिए यहाँ पर, उसी तरह से इसको ब्लड चाहिए। ये जिंदा रहेगा कहाँ पे? ब्लड। इसके अलावा ये फीमेल के ओभम में भी जिंदा रह सकता है, मेल के स्पर्म में भी जिंदा रह सकता है। तो यानी ब्लड एंड गैमेट, हम ये बोल सकते हैं, ब्लड में क्या हो सकता है? जिंदा रह सकता है, और प्लस में गैमेट में जिंदा रह सकता है। गैमेट दो टाइप का होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में कौन आता है? स्पर्म। फीमेल गैमेट में ओवम रहता है, ये दोनों में जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यही दो रास्ते हैं जिसके थ्रू ये फैल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV है तो ही वो दूसरे को HIV दे सकता है, अदरवाइज में वो HIV नहीं दे सकता। ओभम और स्पर्म से एक और खराब बीमारी होती है आपको बैक्टीरियल में, हम आपको बता, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया, वो उसे हम बताए भी थे आपको, उसे छोटा HIV कहा जाता है वहाँ पर, सिफिलिस और गोनोरिया को। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को HIV है उससे आप ब्लड ट्रांसप्लांट करके ले लेंगे, उसका ब्लड चढ़ा लेंगे तो फ्री में देके चल गया आपको। इसलिए HIV की जांच हो जाती है, ब्लड ट्रांसप्लांट करने से पहले HIV की जांच करना कंपलसरी हो जाता है। दूसरा, अगर आप
सैलून में बाल कटाने जाते हैं। आपको पता है किसी को एचआईवी होगा तो पता भी नहीं चलने वाला है, 3-4 साल बाद पता चलेगा, वो भी उसकी लक्षण दिखेंगे, एकदम भयानक स्थिति उसकी आएगी 6-7 साल बाद। तो किसी को एचआईवी है, और लड़कों लोग इस पर ज़्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि हम लोग जब बाल कटाने जाते हैं तो गर्दन के बाल और कान के पीछे के बाल को उस्तुरा से काटा जाता है, क्योंकि वहाँ के बाल कैंची से नहीं कट पाते, तो वहाँ जब उस्तुरा लगाया जाता है तो किसी लड़के को मान के चलिए कोई वहाँ बाल कटाने, तो उसको एचआईवी था, उसका उस्तुरा से उसने काटा तो ब्लड आ गया, ब्लड किस पे लग गया, उस्तुरा पे। कितना भी पोछ दीजिएगा तो ब्लड कौन सा दिख, उसके पार्टिकल दिखाई थोड़े देते हैं, तो वहाँ चिपके ही रहेंगे आप, उस्तुरा काट के रख दिए। उसके बाद आप बैठे, आपका बाल काटा और उसको भी उस्तुरा लगाया, आपका नसीब ठीक है तो आपका नहीं कटेगा, अगर आपका भी कट गया तो उसका पहले से कटल था, आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, हो गया काम खत्म। इसलिए क्या जी, ब्लड ब्लड देखो खखोरन को देखो, कराएगी सर ब्लड तो थक्का पड़ जाता है ना, एचआईवी ब्लड से फैलता है कि उसके अंदर पहले हुए वायरस से, तो थक्का बन भी जाएगा तो आपको ब्लड की जरूरत है कि उसमें मौजूद वायरस, वायरस सजीव और निर्जीव दोनों होता है, ये हम आपको अभी बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन आप तो हैं खखोरन करें सर ब्लड थक्का बन जाए, अरे हमको ब्लड की जरूरत है वहां पे, एचआईवी फैलाने के लिए ब्लड की जरूरत है, वो तो वायरस है, अब ब्लड में जिंदा था, उसकी उस्तुरा पे आया, ब्लड खत्म भी हो गया तो वायरस मरेगा, मर ही नहीं सकता, हजारा मर है ससुराई, निर्जीव और सजीव दोनों है, आपका कट जाएगा, आपके में उसका टच हुआ कि धीरे 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 ब्लड के अंदर क्लॉट कर गया, जैसे कटेगा आपका आप वहां दबा देंगे इसे, अरे कट गया क्या, अरे दाब दिए किसको, एचआईवी को भी, अब वहां पपड़ी जमेगा, एचआईवी धीरे धीरे अंदर होते 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 व्यवस्था कर दे। इसलिए कुछ भी हो जाए, अक्सर लड़का, हम लोग जब छोटे थे बाल कटाने जाते थे तो सैलून वाला ना बाल हम लोग को 3 रुपया बाल कटवाए हैं, अब तो बहुत महंगा हो गया, हाँ 40-50 रुपया हो गया, हाँ अब तुम 1000 रुपया कटवाओगे तो उसका कोई जिम्मा लेके बैठा है, तो हम लोग के समय 3 रुपये में बाल कटता था, और उसके बाद भी अगर बाल कटवा के आते थे तो घर वाले को 3 रुपया ज्यादा लगता था, कहते कैसन काटा है बताओ और कटवा के आओ दोबारा भिजवा देते थे और काटने के लिए, बताए घर वालों को ये लगता था ना कि इसका पूरा बाल कैंच देना है, उनकी मेंटेलिटी, चप्पल खरीदवाएंगे तो 2 इंच बड़ा, बरसात में कपार पे छीटा फेंक दे, कपड़ा खरीदवाएंगे तो 3 साल आगे का प्लान करके, पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय तक जाना चाहिए, मत पूछिए यहाँ पर, एक से एक रहेगा लोग, कोई भी कोई मेहमान आ जाएगा तो सोचेंगे लोग उनका दंडवत प्रणाम करो, नमस्ते करो यहाँ पे, आओ कैसे कहीं को खखोरन मेहमान आ जाएंगे सब बैठाते सवाल पूछने लगे, बताओ 13 का टेबल, मन करता है कि नाश्ता करो निकलो यहाँ से, 13 का टेबल सुनाता ऐसा ऐसा बहुत मिला होगा आप लोग को, होता है जब कुछ कुछ। तो हम लोग जब सैलून में जाते थे तो उसको बोलते थे कि ब्लेड बदल दीजिएगा, तो ना नजरअंदाज कर देता था, नहीं बदलता था, और हम लोग लिहाज के चक्कर में 2 बार बोले कि 3 बार बोले तो कंफ्यूज हो जाते थे लोग, कई बार ऐसे बना भी देता था, तो हम लोग क्या इतने भी अभी बड़े पैमाने पे मरीज नहीं है, लेकिन क्यों चांस लेना है, डांट के बोलिएगा नहीं बदलेगा तो, समझ में आ गया कि नहीं, पैसा ले रहे हो बीमारी लेने नहीं आए, तुम्हारे पास काम करवा रहे हैं उसके बदले आपको पैसे दे रहे हैं, इज्जत से पैसे दे रहे हैं, आप भी इज्जत से काम कर रहे हैं, लेकिन आप 1 रुपया का ब्लेड के चक्कर में लाइफ खराब करिएगा तो सुन लीजिएगा बढ़िया से, उसको बढ़िया से डेटॉल भिगा के, पूरी गिलास जो होती है ना 1 कप पानी रखे रहते हैं उसमें 2-3 बूंद डेटॉल डाल देते हैं, उसमें पूरा डुबा देते हैं, उसके बाद डेटॉल लगा के और फिर ब्लेड को चेंज करके तब कराना चाहिए, अदरवाइज में कह दीजिएगा कि हमको इतने पर छोड़ दो, जितना काट दियो इतने पर छोड़ दो, आधा पैसा दे देते हैं तुमको, समझ में आएगी नहीं गा, नहीं तो अपना डेटॉल का 1 cc लेके जाइएगा, कदी कर लो ले इसमें भिगा दो, ये सब चीज़ों को समझिए, ये बहुत इजी आप ले आ सकते हैं, महिलाओं को बाल कटाने नहीं जाना होता हो तो आप लोग में उस्तुरा नहीं लगता होगा, हल्का उस्तुरा लगाता है लोग, महिला सबको इतना नहीं काटता, महिला को टकला करता है कोई, उस्तुरा जहां लग जाता है वहां से कंप्लीट बाल हटा दिया जाता है, अब जैसे पुरुष को बांधेगा नहीं ना बाल, यहाँ से निकल जाएगा एक्स्ट्रा, तो क्या करता है उस्तुरा लगाता है, महिलाओं में तो हल्का फुल्का कटिंग उटिंग चलते रहता है, इधर उधर बिना मतलब का खतौना हो जाता है तो उसको काट देता है, और वैसे भी हम लोग के समय की महिलाओं के लंबे बाल होते, आज तो इतनी सा बाले हो गया है, सोन पापड़ियों ना मिले बेचने पे,
हम लोग के समय महिलाएं सब खूब बढ़िया से बाल काटने के बाद इतना बसा होता था तो ले आके हाथों से पकड़ के झाड़ती थी सो ऐसे ऐसे आप, और उसका नोच नाच के उसको गोलिया के और दीवार के कोना में ठूस देती थी सो। और उसके बाद एक महीना बाद उसको ना कबाड़ वाले से सोन पापड़ी से खरीद लेते। आज तो पता चला लड़की सबको इतनी सा सोन पापड़ी के लिए टकला होना पड़े, इतनी सा बलवे बच गया यहाँ पर। और वो में नहीं, और उसमें भी ना क्लासवा में झाड़ने लगती है सब। आगे बढ़े, पता नहीं झड़ गया है कि फैशन हो गया आजकल का, नहीं पता झड़ गया है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो एच आई वी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत इजीली फैल सकता है ब्लड ट्रांसप्लांट। कई बार ऐसा भी होता है ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे एक बार एक यूएस में एक बार बस एक्सीडेंट हुआ था, तो बस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग बच गए थे, एक दो लोग की डेथ हुई थी बट बस बच गई। तो उसमें कुछ लोग का सर और फूट गया, कोई इधर हुए हैं उधर हुए हैं, उसमें किसी एगो को एच आई वी था, ओकरो ससुरा के कपार फूट गया और पाट दिया सब में। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है। अदरवाइज में यदि अगर किसी महिला या किसी पुरुष को एच आई वी पहले से है और उससे अगर शारीरिक संबंध कोई बनाता है और स्पर्म और ओवम आपस में अगर मैच कर जाते हैं, तो अगर पुरुष को है तो उसका स्पर्म महिला के ओवम को ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको भी हो गया, और अगर महिला को है तो उसका ओवम इसके स्पर्म के थ्रू फैल सकता है। तो ये दो ही रास्ते हैं, या तो ब्लड के रास्ते या तो गैमेट के रास्ते एच आई वी क्या हो सकता है, फैल सकता है। ये बहुत तेजी से भारत में क्या हो रहा है, फैल रहा है यहाँ पर। बाकी अभी इसका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही है इसका बचाव। आप लोग सावधानी से रहिएगा, थोड़ा बाल वाल कटाने में, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी तो खुद से ही बनाना चाहिए आप लोग को स्टूडेंट लाइफ में, अगर बनाते हैं तब समझ में आ गया कि नहीं। अरे एक मशीन ले लो रगड़ दे यहाँ पर, यहाँ पर एक आपको लड़का रहता है नापने वाला रहता है, ये बड़ा हो गया है ये वाला, ये छोटा है नाप के। आज तक हम ना नापते हैं, आता है बाल कटाने के लिए नापने लगता है, हम कहे इतना यहाँ पे खान से जो लोग पढ़ने आते हैं दाढ़ी बाल देखने नहीं, नहीं समझ में आया तो कह नहीं नहीं सर ये बड़ा हो गया है छोटा हो गया, ए बड़ा छोटा हो गया यहाँ पे, गजब आदमी है आप, हम ही को सिखाते हैं। एक दिन कर सर आप स्कार्प करा लीजिए, स्कार्प हमको स्कार्प कुछ होता है क्या? वो तो ठंडी से पहनने के बचाया जाता है। हाँ अब पूरा औजार औजार लेके आया था ऑपरेशन थिएटर वाला, पूरा बड़का औजार निकाला, ये सब स्कार्प के धंधे कुछ भी कर जाओ, कौआ कभी कबूतर नहीं हो सकता। तुम स्कार्प करो कुछ भी करो, आदमी का मेलानिन कभी खत्म नहीं हो सकता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कहेगा सब कि ये ग्लो देगा, ग्लो 14 दिन तक, अरे कोशिका की बाहरी परत का आयु ही होता है 14 से 28 दिन, तुम्हारा ग्लो वलो सब खत्म हो जाएगा, बाहर से फिर वही करीका निकलेगा। समझ में नहीं, हम तो पहले क्रीम लगाते क्रीम वो काला हो जाता था। ये सब चीज से नहीं रहना चाहिए, समझ में आएगी ना? हाँ क्रीम काम करना छोड़ देता था, क्रीम काला काय होगा? किसी को दिक्कत है? किसके डिटेक्ट करने? हाँ हाँ बढ़िए, जैसे अगर सैलून के टाइम पे आप प्रिकॉशन बरतते हैं तो जहां आपको 100% संभावना थी ट्रांसफर होने की, वहां संभावना 2-5% बच जाती है। तो कहीं 100% और 2-4% में कुछ तो हम लोग का WBC ही तगड़ा रहता है, घुसते कहीं मार देता है, वो तो धीरे धीरे ना एच आई वी खचरा होता है, घुसता है तो लड़ता ही नहीं है, चुपचाप WBC मारेगा ना, चुपचाप लगा जाएगा यहाँ पे, चुपचाप धीरे धीरे पहले फौज बनाएगा अपना, धीरे 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 WBC को लगेगा तो बहुत शरीफ है, 4 साल तक शराफत दिखाता है, कितने साल तक? 4। तो ऐसा हो सकता है कि कम संख्या में आएंगे, प्रिकॉशन रहेगा, WBC मुआइये दे उसको तुरंत यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा बहुत लड़ाई लड़वे करता है, पहचानने के चक्कर में, देखे रहे तुम कैसा है, घीचतान में मर गया तो ठीक है यहाँ पे, नहीं तो फिर तो उनका व्यवस्था कर देगा। तो किसी भी बीमारी से जब बचाव किया जाता है तो 100% बचाव नहीं होता है, कोई भी वैक्सीन भी लगाते हैं तो 100% तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है HIV से बचने का, इसका कोई वर्तमान में इलाज नहीं है। अगर किसी महिला या पुरुष को HIV है, यदि स्पर्म एंड ओवम आपस में मैच किए तो ट्रांसफर कर देता है, यहाँ पर ब्लड हो सकता है तो हो सकता है, किसी को कोई दिक्कत। अगला होता है डेंगू। अगला क्या है? डेंगू। डेंगू एक कॉमन बीमारी आजकल फैल चुकी है। डेंगू जो होता है ये एडिस मच्छर इसे क्या करता है,
एडिस मच्छर इसे फैलाने का काम करती है। डेंगू में मेनली प्लेटलेट प्रभावित होता है। क्या प्रभावित हो जाता है? प्लेट, और बहुत तेजी से प्लेटलेट गिर जाता है। प्लेटलेट चला आता है 40,000 से 50,000 के आसपास में, जिसका 50,000 के आसपास प्लेटलेट आ गया है ना, उसको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना 2 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। प्लेटलेट एक दिन में 30,000 से 40,000 डाउन हो जाते हैं सर, एक दिन में सबसे तेजी से प्लेटलेट डाउन होता है। अच्छा, बनता भी है बहुत तेजी से, एक दिन में 30,000 बनी हो जाता है। तो अगर किसी का अमूमन 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट होता है, कितना? 1.5 से 2 लाख, आपको पढ़ा चुके हैं ये, किसी किसी में 2.5 लाख भी प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट का रहना जरूरी है, आपके शरीर में फुर्ती रहती है। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट की कमी रहेगी तो उसकी तरह सूत जाइएगा, देखिए वो तो सूत रही है, उठ जाओ मम्मी, हाँ टाइम से सो जाया करो रात में, समझ में आ गया कि नहीं? उठ जाओ उठ जाओ, देखो अब छुप रही है, ए भगवान, उसको उसको लग रहा है कि अभी भी सर नहीं देखे गजब दिमाग लगाती है लोग, अब देख लिया, सब लोग देख लिया, सो रही थी, अभी भी ट्राई करिए, क्या पता सर हमको नहीं देखे हूं तो प्लेटलेट जांच करा लीजिए बबनी, नहीं तो हीमोग्लोबिन जांच करा लीजिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर जांच करा लीजिए, और अगर ये सब सही है तो टाइम से सो जाया कीजिए। आपके शरीर में केवल 4 दिक्कत होगा, नींद की कमी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, प्लेटलेट की कमी रहेगी, आप तुरंत तकिया को 3 बार मोड़ेंगे और सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो प्लेटलेट की कमी है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो शरीर को उठने का मन ही नहीं करेगा यहाँ पर, और ब्लड की कमी तो रहना ही नहीं चाहिए शरीर में, वरना फिर आपको झिंझिनी होने लगेगा, दुनिया भर का दर्द होने लगेगा, 1 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा तो पैरों में झिंझिनी होने लगेगा। लोग कहते हैं ना कि हम उसके इतना हम पढ़ देंगे तो हमारा भी रिजल्ट होगा, अरे पढ़िए नहीं सकते हो, 1 बार में 4 घंटा बैठ के पढ़ देना खिलवाड़ नहीं होता है। तुम तो क्यों 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे तो एक नमकीन रख लोगे और पानी, हर 5 मिनट में पानी पियोगे, 1/2 घंटा में बाथरूम जाओगे जब आप पढ़ाई करने बैठिए ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए पास में। मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं डाटा के लिए तो उसको रखिए, अदरवाइज में मोबाइल भी साइड करिए सबसे पहले, और उसके बाद पढ़िए, 1 बार देखिएगा, 2 घंटा के लिए बस मोबाइल साइड कीजिए, पानी खाने वाला सारा साइड कीजिए, कुर्सी है तो ठीक है, नहीं तो चौकी में बैठ के पढ़िए, 1 ज्यादा नहीं 1 घंटा, आपको रियलाइज होगा कि दिन कितना बड़ा होता है, 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। और हम किसी को नहीं कहें कि तुम 4 घंटा पढ़ो, कभी कहे हैं? हमको पता है 4 घंटा आप पढ़िए नहीं पाएंगे, हम खुदे ना पढ़े 4 घंटा कबू नहीं, आप पढ़िए 1 घंटा, और उस 1 घंटा में भी आप मुश्किल से 45 मिनट, फिर 15 मिनट का फर्स्ट क्लास ब्रेक लीजिए, 45 मिनट का पढ़िए, लेकिन उस 45 मिनट में यमराज भी आ जाए ना तो कहिए चुपचाप बाबू चुप रहो, 45 मिनट पढ़िए और गिन के एकदम 15 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप पढ़े भी थे। अब बढ़िया से आपको जो थोड़ा सा टहलना है थोड़ा बहुत टहल वहल लीजिए 15 मिनट का, फिर पढ़िए कितना मिनट, 40 से 45 मिनट, उसे कभी इस टाइप का गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा जो सोचता है कि हमारा मकान बनेगा बहुत अच्छा, उनका घरों ना बन पाता है, जैसा भी बने पहले बुनियाद खड़ी कीजिए। डेकोरेशन एंटिंग पेंटिंग धीरे धीरे चालू होते रहता है, 1 बार में ताजमहल भी नहीं बना था, समझ आया नहीं? लेकिन आप लोग की गलती क्या है, मोटिवेट होते तो 1 दिन में 8 घंटा पढ़ेंगे, कभी नहीं कभी नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? हमारे रास्ते पे हम देखो, जरूरी नहीं कि सबके रास्ते एक जैसे, सुबह उठ के कभी अगर नींद नहीं खुलता तो मत पढ़िएगा लोग, ठीक है, लेकिन ज्यादा ही नहीं कि जान देने रहे, दिक्कत हो जाता है। डेंगू समझ में आ रहा है कि नहीं? डेंगू से बचने के लिए फिर यमराज को क्या बोलेंगे, पढ़ने के टाइम पे ले जाएंगे, फिर पढ़ने के टाइम यमराज पे रुकल है सर, उनको तो रोके हुए थे 15 मिनट के लिए आगे बढ़ जाए, यमराज को दे दीजिएगा, कह लीजिए पूछिए हम याद किए हैं। जो डेंगू से बचने के लिए प्लेटलेट को गिरने से रोकना जरूरी होता है, आयुर्वेद में 2 दवाइयां इसके लिए, सबसे जरूरी होती है गिलोई। गिलोई एक जड़ होता है जिसकी गोली भी आती है, लिक्विड भी आता है, लिक्विड ज्यादा फायदेमंद होता है, बस स्वाद में बहुत खराब लगता है। गिलोई पीने से प्लेटलेट का गिरना रुक जाता है, और एलोवेरा और बकरी का दूध उस प्लेटलेट को बढ़ा देता है। बाकी आप फल खाइए, ई खाइए, एन तेन खाइए, पपीता खाइए, ये सब चीजें उसके लिए। पपीता का पत्ता पीस के मत खाइएगा, वरना पी नहीं पाइएगा। चुपचाप पपीता के पत्ते को छोटा छोटा तोड़िएगा, मुंह में रखिएगा, गोलिया के घोंट जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसा टेस्ट है। पपीता का पत्ता भी काफी फायदा करता है, वरना अगर सोचिएगा पीस के पिए तो हो गया काम आपका, बोकर दीजिएगा वो, समझ में आ गया?
हमको पहली बार जब डेंगू हुआ था ना, हमें पता भी नहीं चल रहा था कि ये डेंगू है, और हमें आदत है पढ़ाने की, और हम सीढ़ी से उतर नहीं पाते थे, एकदम इतना पैरवाई एकदम जाम हो जाता, नहीं उतर पाते। हमें पता ही नहीं था कि हमें डेंगू है, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था। सोचना हमारा डेंगू, हमको ऐसा लगता था कि हमारा बीमारी ये नहीं होगा। 17,000 WBC मेरे में, अमूमन होता है 10 से 11,000, मेरे में कितना है 17,000, नॉर्मल से ज्यादा, तो उतना भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा लगा कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, WBC है कोनो बहुत बड़का चीज थोड़ी है, हो गया डेंगू। हमें पता नहीं था। उस समय मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, और गाल ब्लेडर का, मेरी मम्मी का गाल ब्लेडर को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया। आपको पढ़ाई भी है, गाल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है तो उसको सीधे बाहर निकाल दिया। उधर मम्मी एडमिट है, और मेरा प्लेटलेट बहुत कम हो गया था, 70-80 हज़ार के आसपास। 70-80 हज़ार हो जाता है ना, तो फिर आपका हिम्मत नहीं करता कुछ काम करने का, फिर शरीर गिरा गिरा रहा था। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट थी, हमको फर्स्ट सीढ़ी चढ़ने का हिम्मत नहीं करता था, इसे उठने नहीं करता था पैर। तो हम सोचे लिफ्ट में चले जाते हैं, लिफ्ट में गए, और उसमें डॉक्टर थी सब। अब पहला तल्ला दाबे तो डॉक्टर हमको सुनाना चालू कर दी, क्या तमीज है ये, इतने हट्टे कट्टे हैं, एक तल्ला पे जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से देश को कितनी दिक्कत होती है। हम सुन रहे भाई, सुना दो खूब, मतलब जब तक लिफ्ट हुआ एक तल्ला पे ना पहुंची ना, एक तल्ला पे पहुंचने पर कम से कम 20-22 को स्लोगन सुना चुकी थी। बाद में जब उतरे उस पे, तो उनको देखे, मैडम हमको डेंगू है, 70,000 प्लेटलेट हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कहे कोई बात नहीं आप ही सही है। उसके बाद चुपचाप उतरे हम। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे किसी को लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए। उन महिला का भी जो डॉक्टर था, उनका भी कहना गलत नहीं था, चेहरे पे नहीं ना लिखा रहता है डेंगू है। तो उनको लगा कि मिस यूज कर रहा है लिफ्ट का, कई को घूमने के लिए जाता है एक तल्ला पे तीन तल्ला पे। हम लोग थोड़ी ऊपर नीचे कर रहे थे। तो आज से ये ना 5 साल पहले 2018 में हुआ था, उस समय डेंगू ना नया नया आया था, स्वाइन फ्लू आया था भारत में 2012-13 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 14 में आसपास में बड़ी तेजी से फैला था स्वाइन फ्लू। तो मास्क को उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था धीरे धीरे, उसका बाप आ गया कोरोना ससुरा। तो आप लोग गिलोई और पपीता का पत्ता, ये कंट्रोल करने के लिए आप लोग ले सकते हैं। पपीता का पत्ता गलती से भी पीस के नहीं, गिलोई एक सांस में पीजिएगा, इतना भी खराब नहीं लगता है गिलोई, नहीं वो बहुत ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा हल्का कड़वा लगता है, और बकरी का दूध में थोड़ा सा ठीक ठाक आपको देता। और ये क्या नाम है, एलोवेरा बहुत फायदा करता है। देखिए, प्लेटलेट रोकने के लिए पपीता का पत्ता और गिलोई, बढ़ाने के लिए बकरी का दूध और एलोवेरा। बाकी फल में आप जितना फल कचर के खाइए, एगो फेमस है कीवी, कोई जरूरी नहीं है कि कीवी ही, जितना फल खाइए सारे फल में क्या मिलता है, प्लेटलेट सारे फलों में। तो अमीर बीमारी है ये, गरीब इंसान तो बेचारा का दम तोड़ देगा। कई ऐसे विद्यार्थी हैं ना, जिनका रूम रेंट के अलावे, रूम रेंट और खाने के अलावे 200-300 रुपया आता है एक्स्ट्रा घर में। आप में से ऐसे लड़के बैठे होंगे, उन बेचारों को अगर डेंगू हो जाएगा ना, बेचारा सब इलाजों ना करा पाए, सब बहुत दिक्कत हो जाता है उन लोग को। तो ये सब भी बहुत खराब बीमारी है। कीवी बहुत महंगा मिलता है, 100-200 रुपया में 3-4 को देगा। तो डेंगू समझ में आ गया कि नहीं? अब पोलियो किसके वजह से होता है, इंट्रोवायरस पोलियो। भारत से पोलियो को अब खत्म किया जा चुका है, 2014 से पहले भारत में पोलियो था, लेकिन 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। किसने किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1992 में WHO ने हमारा मजाक उड़ाया था, PV नरसिम्हा राव ने जब शपथ लिया था कि भारत से हम पोलियो को खत्म कर देंगे, तो WHO हंस रहा था, क्योंकि भारत में उस समय हर जिले में पोलियो के मरीज थे। कहते थे भारत को, उन्हें हंसते हुए लहजे में कहा था, ठीक है आप खत्म कर देंगे, हम आपके लिए दुआ करते हैं। ये बात भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बुरी लगी थी, और भारतीय वैज्ञानिक दिन रात एक करके पोलियो के लिए जो इजी अवेलेबल और सस्ती दवा जो थी, जो मुंह से दी जा सकती, क्योंकि दवाइयां तो होती हैं, तो एक ही चीज की 10 गो दवा नहीं रहेगी। बुखार का आप देखिए तो 10 गो दवाई मिलेगा, उसमें कोई तुरंत सुन लेगा, कोनो नॉर्मल सुनेगा। तो भारत वालों ने जो पोलियो की दवा बनाई थी वो बहुत ही सस्ती और इफेक्टिव थी, और उसके बाद हर घर घर जा जाके क्या पिलाया गया, पोलियो पिलाया गया। और भारत ने जो
बेइज्जती हुई थी, 22 साल बाद उसका बदला ले लिया। 2014 में वही WHO आके कह रहा है कि अब आप पोलियो मुक्त हो गए। और WHO पूरी दुनिया में जो दवाइयां बांटता है ना पोलियो का, उसे भारत देता है, और इससे भी बड़ी बात है भारत फ्री में देता है। समझा? पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान पोलियो की ड्रॉप पी रहा है ना, कहां से जा रहा है? बिना पैसे में हम लोग देते हैं लोग। ये होती है मानवता। और भारत के बगल का देश है पाकिस्तान, वहां अभी भी पोलियो नहीं पीने दिया जाता है, क्योंकि उसका उसको लगता है कि दो बूंद मतलब दो ही बच्चा पैदा होगा। उन लोगों को कटोरा से पिलाना चाहिए, लाओ एकदम, पूछना चाहिए कै को चाहते हैं इससे, 35 गो ले, 35 गो यहां। पोलियो वही बच्चा पीता है जो गोद में होता है, 4 साल 5 साल का बच्चा होता है। हम लोग अपने 4-5 साल के बच्चे को उसके भविष्य की चिंता करते हैं, और वो बच्चा कितना पैदा करेगा इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी लगता है कि वो अलग हुआ सब तो हम लोग को बड़ा शांति भी मिला, लेकिन इतना भी है कि अगर एक में रहता सो तो इतना बदतमीज नहीं हो सकता था सब। क्लास करने तो ये करता सब, बहुत समझाते उसको। अरे एक बैच लाहौर में भी रहता, समझ में? हाँ, इतना समझ में आ गया कि नहीं? पोसे क्या हो गया? पोसे पोलियो, इसे इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा। अब इसको आगे का क्लास कल बताएंगे, मंडे को।